जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? गुलाब जामुन में खुद ही डाल लेती हूँ। थाली परोसी जा रही है। बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। नैतिक की आदत हो गई है, जब तक उसकी माँ थाली ना परोसे वो खाना ही नहीं खाता। उसी ने भेजा है मुझे यहाँ थाली परोसने के लिए। अब उन्होंने भेजा है? कोई बात नहीं है, आप ही परोस दीजिए। ऐसा करते हैं, मैं बताती हूँ और तुम थाली परोस दो, ये ठीक रहेगा ना? हमारी बहू को भी पता चल जाएगा कि उसके पति को क्या पसंद है। लो बेटा, आओ दाल बाटी से शुरू करें। घी बिल्कुल मत डालना, नैतिक को दाल बाटी पसंद है लेकिन घी नहीं। ओह, दाल बाटी माय फेवरेट। और खुशबू भी कमाल की आ रही है। दादा गुस्सा आ रहा है कि मेरी शादी और मुझे ही सबसे बाद में खाने को मिलेगा। बेचारे। कोई बेचारे बेचारे नहीं है, इनकी तो भाई स्पेशल थाली आएगी, भाभी खुद अपने हाथों से परोस के लाएंगी और फिर क्या खुशबू क्या स्वाद, ये तो उंगलियां चट कर जाएंगे। लीजिए दूल्हे राजा, आपका भोजन आ गया है। आगे प्यार भरी थाली। ओहो भाभी, मीठा लाने की क्या जरूरत थी, पूरा खाना तो यूं ही मीठा हो गया आपके हाथों से। थाली ले लो बेटा, दुल्हन कब से खड़ी है। देख ले, तेरी पसंद से लगी है थाली। तू भी बदलेगा नहीं, बेकार की जिद कर रहा है। ये देख, थाली तेरे पसंद से ही लगाई गई है। दाल अलग कटोरी में है, सब्जी अलग कटोरी में है, मिस्सी रोटी, ठीक है ना? माँ का लाडला आज भी माँ के हाथ से। अरे भाभी आपकी थाली कहाँ है, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? मैं लाती हूँ। भाभी बैठिए ना। जी हम सोच रहे थे कि कुछ ही देर में इसकी विदाई हो जाएगी, तो क्या कुछ देर के लिए हमारे साथ? ये कैसी बात कर रही हैं सुनैना जी, ले जाइए इसे। और वैसे भी आप सबके बीच रहेगी तो एक आधा निवाला खा लेगी, हमारे बीच तो शर्मा शर्मी में कुछ भी नहीं खा पाएगी। जाओ बेटा। अच्छा अब खा। और ये क्या बात हुई मुन्ना, उसके हाथ से थाली ले लेता तो क्या बिगड़ जाता? माँ यहाँ तो दादा को मुन्ना मत कहिए, तूफान आ जाएगा। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वर्षा, वो ऐसी तो नहीं है। उनका वो उतरा उतरा सा चेहरा, वो भीगी भीगी सी हंसी, बार बार मेरी ओर से मुंह फेर लेना, कोई तो बात है। तू भी ना अक्षरा, उन्होंने अपनी माँ से खाना परोसने के लिए क्या कह दिया, तुझे तो शक ही होने लगा है। अब इतने लाड़ में जो पाले गए हैं, उनकी माँ उनकी पसंद बहुत अच्छे से जानती है। कहा तो था तेरी सास ने,
तो यूं ही घबरा जाती है। मुझे तो वो वैसे ही लगे जैसे पहले थे, थोड़े शर्मीले, थोड़े खामोश, और फिर टेंशन तो होगी ही ना, शादी जो हो रही है। उन्हें मेरा लेटर तो मिला है ना? कहीं अगर उन्हें मेरा लेटर ही नहीं मिला हो, और वो अच्छा, वो अभी तक उसी पहली गलतफहमी में तो नहीं जी रहे हैं ना? ओहो, उन्होंने मैसेज तो किया है ना? तुम्हारी खामोशी जब बोल उठी थी, वरना वो तुझे ब्लैंक मैसेज क्यों भेजते? वो बात तो है, पर फिर भी उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने एक बार मुझे फोन भी नहीं किया। कहीं मैंने उनकी खामोशी को गलत पढ़ लिया हो तो? वर्षा बोल ना, तू भी ना बेकार में चिंता करती है। दादी ठीक कहती है, तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। चल, अब तू यूं ही बातों में उलझा के रखेगी ना तो हम खाना कैसे खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। वर्षा, अक्षरा खाना खाएगी, तब तक हम सूटकेस तैयार करके उसे सब कुछ समझा देते हैं फिर से, ठीक है? हाँ बेटा, आ जा। माँ, मैं बस अभी आती हूँ, दो मिनट में। ठीक, चल छोटी, छोटी सब चीजें ध्यान से रख देना, कहीं कोई छूट ना जाए। क्या यार, लगता है पेट भर के नहीं खा रहा, चेहरे पे जानी नहीं है। अरे भाई, इसे रस मलाई खिलाओ, चेहरे पे कुछ रस आएगा। खा लेना बेटा, अच्छा थोड़ा सा खा ले। कितनी देर हो गई तूने कुछ नहीं खाया है, इतनी सारी रस्में हो रही थी, थक गई होगी ना? ये माँ, मुझे सच में नहीं खाना है। अक्षरा, मुझे भूख नहीं है माँ। क्या बात है बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बच्ची अपनी माँ से कुछ छुपा रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? ये मुरझाया चेहरा तो मेकअप से अभी ठीक कर दूंगी, हवन के धुएं से सारा फेस डल हो गया। देख बेटा, पहले खाना खा ले, फिर मैं तुझे समझा दूंगी क्या क्या किसको देना है और क्या पहनना है, ठीक है? लो, बताया भी नहीं पहले कि विदाई होने वाली है। ओहो, पता नहीं क्या करते रहते सबकी सब, कहाँ रहता है ध्यान सबका। अरे भाई जी, इसलिए नहीं बताया कि अब बताएंगे तो अक्षरा को याद रहेगा। ये सब साड़ियाँ रस्मों के लिए है, इसमें हर साड़ी में एक पर्ची रखी है ताकि तू समझ जाए कौन सी साड़ी कब पहने, ठीक है? ओ मेरी मैया, कितनी प्यारी साड़ियाँ है ना अक्षरा दीदी? देख, ये साड़ी भाभी माँ के लिए, और ये गायत्री बहन के लिए, और ये रश्मि और नंदिनी के लिए, और ये नैना बहन के लिए, ठीक है? अक्षरा, तू सुन रही है ना? अच्छा देखो, कल जब मीठा बनाना हो तो खीर ही बनाना, मैंने इस पेपर पर उसकी सारी विधि लिख दी है, ठीक है? अरे लिखने की क्या जरूरत थी, तन्ने सिखाया नहीं उसे? सिखाया है नानी जी, लेकिन 7 दिन में सारी गृहस्थी कैसे आएगी? थोड़ा बहुत सिखा पाई हूँ। थोड़ी बहुत सिखा पाई हूँ, पैसे तो पूरे लिए ना तूने? दिव्या ने सब कुछ सिखाया है, इसे कह रही है वो। इतना कुछ 7 दिन में सीख लिया अक्षरा ने, उसको कहाँ सब कुछ याद रहेगा,
मदद की तो जरूरत पड़ेगी ना। तुम लोग सब ऐसे ही हो। अरे कोई बुराई नहीं देख सकते हो, किसी को बुरा नहीं समझते हो, सब दूध के दूल्हे तुम लोग के लिए। नानी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसे इतना सब कुछ आता है कि अपने ससुराल जाकर पास ही होगी, फेल नहीं होगी। और वैसे भी मैंने उसे अपना फोन नंबर भी दे दिया है, कभी भी जरूरत हो तो वो मुझे फोन कर लेगी। ठीक है अक्षरा, ये लीजिए काकी, इसे भी रख दीजिए। ठीक है ना अक्षरा? अक्षरा हाँ? ये देखो क्या हुआ, ध्यान किधर है? खाना कब से रखा ठंडा हो, जरा भी नहीं खा रही। बच्ची क्या बात है, तू ऐसी खोई खोई क्यों है? हमसे विदा लेने का समय जो आ गया है। हमारी बच्ची अब अपने नए घर जाने वाली है। अपने कलेजे को कड़ा कर लीजिए शौर्य की माँ। आप सबने भोजन अच्छे से किया ना? वर्षा को देखा कहीं? दादी वो छत की ओर गई है। ठीक है मैं आती हूँ। वर्षा बेटा तू यहाँ खड़ी है, तूने अक्षरा की विदाई के लिए लाजा मंगवा लिया था? वर्षा क्या बात है बेटा? दादी आपने एक बार कहा था ना कि हम अपनों की खामोशी की जुबान भी समझ लेते हैं। हाँ खामोशी की भी अपनी एक भाषा होती है। दादी क्या वो गलत भी पढ़ी जा सकती है? हाँ अगर पढ़ने वाले का मन सरल और सुलझा ना हो तो वो गलत पढ़ सकता है। पर अचानक ये सवाल क्यों? दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मेरे बच्ची बस, तू क्यों रही है? कुछ नहीं दादी। समझ गई, तेरी सहेली की विदाई होने का वक्त आ गया, इसलिए आंसू उमड़ पड़े है ना? ये सोचकर मेरा दिल भी डूबा जा रहा है कि मैं अपनी बच्ची की विदाई कैसे देख पाऊंगी। ओह भाई मजा आ गया। अरे ये क्या दादा, आपने तो ठीक से खाया भी नहीं, जबकि सारी चीजें तुम्हारी पसंद की थी। मीठा तो तुमने हाथ भी नहीं लगाया, क्यों? दीदी मन नहीं है। नैतिक दादा अब सुनिए मेरी बात, अक्षरा दीदी हमारे साथ ही जाएगी ना? दादा अब इन लड़के वाले को समझा दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपकी और अक्षरा भाभी की तो शादी हो गई है। तो अक्षरा भाभी हमारी हुई ना? हाँ मुन्नु, देखा दुल्हन हमारे साथ ही जाएगी। नहीं मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अक्षरा दीदी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। दादा आप इसको समझा दीजिए कि अक्षरा भाभी हमारे साथ ही जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी। नहीं जाएगी दीदी, बिल्कुल नहीं जाएगी। चुप मोनू, क्या हो रहा है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? देखिए ना यहाँ पे चिढ़ाते हैं। क्यों मोनू चिढ़ा क्यों रहे हैं उन लोगों को? और ये लोग कहते हैं कि आप लोग अक्षरा दीदी को लेके उनसे ढेर सारे काम कराओगे, उनसे झाड़ू पोछा कराओगे और सारे बर्तन भी धुलाएंगे।
ऐसा कहा? नहीं, मैंने इससे कहा, मैंने इससे कहा। चुप। देखो बच्चों, इनके कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी दीदी इनके घर जाएंगी तो ये उनके भी सारे काम करेंगे। चाय का कप धोएंगे, कमरे की सफाई करेंगे, अलमारी की सफाई करेंगे, है ना? हाँ, हम तो ने बिल्कुल रानी जैसा रखेंगे। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, उल्टे तो हंस रहे थे और बोल रहे थे कि हम अक्षर जी से सारे घर की औरतों के पैर दबवाएंगे। अंशु, 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 मेरी बात सुन, ये सब तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और कुछ, मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, हम दूल्हे साहब से ही पूछते, ठीक है? नैतिक, हमें ये बताओ कि क्या तुम अपनी दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करोगे? इनकी तलवार दिख रही है? अगर इनकी पत्नी को किसी ने भी तंग करने की कोशिश की तो उसका गला धड़ से अलग। अब तो अक्षरा दी को हमारे साथ जाने दोगे ना? मैं नहीं जाने दूंगा अक्षरा दी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। हमारे साथ रहेगी वो हमेशा। अरे अरे अंशु, क्या हुआ जनाब? अब किससे झगड़ा हो गया आपका? मैं उनको अक्षरा दीदी को लेके जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन है, उन्हें हमसे दूर नहीं ले जाने दूंगा मैं। बेटा, जाना तो है, हर एक बहन को एक ना एक दिन तो ससुराल जाना पड़ता है ना। लेकिन क्यों, वो क्यों जाएंगी? वो बहन है तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी होता। मैं नहीं जाने दूंगा उनको, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अक्षरा बेटा, आप जानती है ना, आपकी आंखों में आंसू आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहाँ रो रही हूँ बाबूजी? देखिए, बिल्कुल नहीं। बस बेटा, बस, अब जानती है ना, नाज है हमको अपनी बेटी पर। मान करें, आप जैसी बेटी हर पिता को दे। आप हमारे जीवन का एक अंश यहां से लेकर जा रही हैं अक्षरा। हमारा तो वजूद ही आप है। पता नहीं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटी तो एक दिन घर से चली जाएगी। नादान होते हैं वो लोग जो ये नहीं जानते कि वो ही बेटी कितनी खुशियां लुटा कर जाएगी। अक्षरा बेटा, अब जब यहां से जाएंगी ना तो हम बहुत रोएंगे, लेकिन साथ में खुशी इस बात की होगी कि आप अपनी नई दुनिया बसाने जा रही हैं। अब आपको जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया बेटा। हमेशा आपकी हंसी ने इस घर को भर दिया, आपकी मन की सुंदरता ने यहाँ पर हमेशा उजाला फैलाया। बिल्कुल उसी तरह आप उस घर में जाकर रोशनी फैला देना बेटा। पूरा यकीन है कि हमारी बेटी दोनों घरों का सम्मान, मान मर्यादा सबका अच्छी तरह ख्याल रखेगी, भौजी का सीना हमेशा चौड़ा रखेगी। ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती?
नहीं शौर्य की माँ, अगर आप इस तरह रोएंगी तो फिर हमारी बेटी के लिए विदाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें देखिए ना, हम कहाँ रो रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।